व्हाट्स अप गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। तो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं एक ऑटोमेटिक बोन मील फार्म। उससे पहले मैं एक एडजस्टमेंट करना चाहूँगा। तो गाइस, इसको आप अपने गेम में कर लीजिएगा तो फिर आपका भी ये बहुत ही अच्छी तरह चलेगा, वर्क करेगा, ठीक है गाइस। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो ले लेंगे चेस्ट, हॉपर, बकेट ऑफ वाटर, कंपोस्टर कहाँ गया, कंपोस्टर ठीक है, और वुडन प्लैंक्स तो निकालना भूल गया, वुडन प्लैंक्स, ग्लासेस, स्लैब्स, ठीक है, सैंड और कैक्टस, ठीक है। तो गाइस एक मिनट, हाँ तो गाइस चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो हम रखेंगे थोड़े से चेस्ट, आप लोग इसको इसी तरह से रख लीजिएगा, चाहे आप दो चेस्ट रखिएगा। तो गाइस, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर इनको इस तरह से भी रखेंगे ना, तब भी जो भी ऊपर से आइटम आएगा वो सारा सबसे पहले तो इन निचले चेस्ट में आएगा। जैसे ही चेस्ट भर जाएंगे तो ऊपर वाले चेस्ट में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब अपना शुरू करते हैं मेन वर्क। अब गाइस हम लोग यहाँ पर रख देंगे चार कंपोस्टर और इनमें लगा देंगे चार हॉपर, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस आप इनको इस शेप में आठ आठ ब्लॉक्स एक्सपेंड कर दीजिएगा। मैं तो ऐसी पैटर्न के लिए रख दिया था, ठीक है। आठ आठ ब्लॉक्स, तीन चार पाँच छः आठ, ठीक है। तो आठ ब्लॉक्स हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक पहले लगा ही चुके थे हम, दो तीन तीन चार पाँच छः सात आठ, अबे दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, ठीक है। तो गाइस अब आप लोगों को इनको कनेक्ट कर लेना है, मैं आपको उसके बाद मिलता हूँ। हाँ जी गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरह बनेगा, 18x18 का ये पूरा बनेगा। उसके सेंटर में होंगे हमारे ये हॉपर्स। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को करना है यहाँ पे इस तरह से हर कोने पे तीन ये लगा देने हैं वुडन प्लैंक्स, ठीक है, ताकि पानी आराम से दूर तक आ सके। तो उसके बाद गाइस हम लोग लेंगे ग्लासेस और इसको दो ब्लॉक पहले, ताकि हम लोग पानी डाल सकें। और गाइस आप लोग पानी बाद में डालिएगा उसके। तो गाइस हम लोगों को यहाँ एकदम बॉटम से, मतलब इस वाले ब्लॉक से जो हमारा ये वाला ब्लॉक होगा, यहाँ से टोटली हमें ले जाना है सात ब्लॉक ऊपर, सात या आठ, हाँ सात, पाँच छः सात। फिर उसके बाद गाइस आप लोग इसको पूरा कवर कर लीजिएगा इस तरह से, तो आप लोग कवर करने के बाद मिलते हैं। हाँ जी, तो गाइस अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से बन चुका है पूरा ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद गाइस आप लोग पानी पहले मत डालिएगा, सबसे पहले तो हम लगाएंगे अपना ये सब सिस्टम में। तो गाइस ये वाला जो नीचे का ब्लॉक है उसको छोड़ के अपर ब्लॉक पे आप लोगों पहला स्लैब रखना है। इस एक ब्लॉक को छोड़ के हम बाकी में आप लोगों गाइस पूरा का पूरा इसको कवर कर देना है एक बार के लिए, और फिर किसी भी एक साइड से एक एक ब्लॉक छोड़ के आपको उसको तोड़ के चलना है। अबे
तो आप लोग देख सकते हैं एक तरफ से दो आएगा और एक तरफ से एक ब्लॉक का डिस्टेंस आएगा ये, और फिर एक ऐसे लगा के इसी प्रकार से आप लोगों को पूरी पूरी लाइनें बिछा देनी है एंड तक, ठीक है। तो मैं आप लोगों को उसके बाद मिलता हूँ। हाँ तो गाइस, इन स्लैब्स को एक ब्लॉक की गैप पे इस तरह से फिक्स करने के बाद, एक तो जिस साइड आपने लगाया होगा उसी तरह से, जिस साइड मतलब एक तरफ तो आपके यहाँ दो ब्लॉक का गैप आएगा और एक तरफ एक ब्लॉक का ही, और वही आना चाहिए। और गाइस इसी तरह से दो वॉल पे दो ब्लॉक का आएगा और दो वॉल पे सिंगल सिंगल ब्लॉक का गैप आएगा स्लैब्स के बीच में। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, हर स्लैब के ऊपर, क्योंकि अपर स्लैब, ध्यान रखिए गाइस ये अपर स्लैब होना चाहिए, क्योंकि स्लैब जो है एक ऊपर का होता है और एक नीचे का, देख लीजिए एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला, ठीक है। तो इनको इसी हिसाब से रख देंगे हम, उसके ऊपर सैंड रख देना है आपको सभी स्लैब्स के ऊपर, जो नीचे गिर रही है उनको हम बाद में हटा देंगे आराम से। और संकी संग गए स्क्रिप्ट हम उनके ऊपर लगा देंगे कैप, फिर अब हम इनके ऊपर लगा देंगे कैक्टस को, ताकि ये ग्रो होते रहें आराम से, ग्रो हो जाएंगे फिर ये। और गाइस हमें ये मेक श्योर करना हो कि ऑटोमेटिकली टूटे, उसके लिए गाइस हम इनके पीछे लगा देंगे एक फैन, जिससे गाइस ये उगते ही टूट जाएगा और नीचे पानी की वजह से हमारे हॉपर में जाएगा, हॉपर से होते हुए हमारे कंपोस्टर में। हॉपर से होते हुए ये सीधा हमारे कंपोस्टर में आ जाएगा, और वो कैसे होगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ऑटोमेटिकली टूटे इसके लिए, ठीक ये रहेगी। तो आपको इनको कुछ को डबल करना है और फिर अब जस्ट हॉपर कंपोस्टर और वुडन प्लैंक्स का ग्लासेस का कुछ काम नहीं है, निकालते हैं फेंस, ठीक है। फेंस हम ऐसे लगाएंगे तो देखिए सर टूट जाएगा, और नीचे पानी होने के कारण जैसे हम पानी डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे बहता जाएगा, ठीक है। अबे तो बस ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ये दो जो है ना, दो को एक फेंस ही निकाल देगा, तो उसके लिए हम फिर अभी मैं ये वाला होगा ना और संख्या सिंह ये वाला भी मैं डबल कर दूंगा और दो छोड़ के एक आप लूंगा। ठीक है, इस तरह से सारा का सारा सारे जो नीचे गिर जाएंगे, इस तरह से हम अपोजिट साइड में भी करेंगे। अब पे वैसे आप लोगों को इनको प्रॉपरली ही फिक्स करना होगा, वरना ही है आपके लिए समस्या, ठीक है। तो ये उसके बाद कुछ इस तरह दिखेंगे फेंसेस, और जैसे ही हम नीचे पानी डालेंगे पूरे इलाके में पानी कवर करना होगा, पानी डाल के एक तो ऊपर वाले ब्लॉक पर जरूर डाल दीजिएगा। देखिए धीरे धीरे बह रहे हैं ना एक तरफ से, जैसे वहाँ पे भी
देख सकते हैं ये पानी सीसी है, यहीं पे आके रुक रहा है। अबे गाइस आप लोगों को पानी का लेवल ध्यान रखना होगा, वरना ये जो है ये हमारे हॉपर के ऊपर चले जाएंगे और थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं हॉपर को। देखिए सारे के सारे बस एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए हैं जो इस तरफ से जुड़े हुए हैं। अब बस ये सारे जाने वाले हैं हॉपर के अंदर। गाइस आप लोग एक जगह पे कहीं पे भी एक इनफाइनाइट सोर्स बना लीजिएगा, देख लीजिए सारे के सारे चले गए हैं उसके अंदर। अभी भी एक दो टूटे थे, हाँ देख लीजिए एक दो टूटे थे जो कि मेरे अंदर आ गए हैं, मेरी इन्वेंट्री में आ गए। और आप लोग इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बस इस तरह से इसको ऐसे लगाइएगा एक ब्लॉक ऊपर करके, इसको तोड़ देंगे और फिर यहाँ पे रख देंगे फैन कैक्टस, इसको भी डबल करेंगे, ये लगाएंगे ठीक है। और अगर आप इसको और ऊपर ले आना चाहते हैं, पर गाइस साइड की फेंसिंग जरूर ध्यान रखिएगा, वरना जो यहाँ पर डबल लेयर है और जो सिंगल लेयर वाले होंगे ना वो इनके चांसेस रह सकते हैं कि वो बाहर गिर जाए, तो वो तो आपके थोड़े बहुत वेस्ट हो जाएंगे ठीक है। इसी तरह से सेम प्रोसीजर से हम इसको और ऊपर के लिए भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको तोड़ देंगे बस काम ठीक है। और गाइस यहाँ नीचे काफ़ी अंधेरा है तो यहाँ पे मॉब स्पॉन ना हो कोई भी, थोड़ी सी ठीक है। हो सके तो एक आध कैंप फायर ही लगा देना यार, कि लाइटिंग से ज़्यादा रोशनी कैंप फायर देता है यार। मेरे को एक ही हाँ मोबाइल की रोशनी, मोबाइल की लाइट भी कम थी। भाई आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे उसमें गिरे थे, तो ऊपर वाले चेस्ट में कुछ नहीं हुआ, बहुत नीचे वाले चेस्ट में ही देख लीजिए एक है बस, कि वो चेस्ट अभी आधे ही भरे होंगे। और अब गाइस मैं एक सेटिंग करूँगा अपनी, ये रैंडम टिक स्पीड गाइस मैक्सिमम रखने के लिए हम मैक्सिमम होती है 4096। गाइस अब आप लोग देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से सब बढ़ रहे हैं और टूट टूट के नीचे गिर रहे हैं। ओ गाइस हम लोग यहाँ पे लगाना भूल गए, ये देखिए ये हुआ क्या था अभी समझ नहीं पाया। अरे हाँ ये रैंडम टिक स्पीड की वजह से हो रहा है, लगा नहीं पा रहा हूँ। तो बस रैंडम टिक स्पीड में यही रहता है कि ये स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी, ये भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। वापस फिक्स कर देता हूँ मैं उस स्पीड को। अब बस याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 9999 डाल दीजिएगा और सो ये फिक्स हो जाएगा। देख लीजिए किस तरह है, कितनी तेज़ी से टूट टूट के नीचे जा रहे हैं, सारे के सारे पानी के जरिए हॉपर में जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ, देख सकते हैं गाइस कि सारे के सारे नीचे आ रहे हैं और तो और यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं ठीक है। तो ये इस तरह से इकट्ठे होंगे यहाँ पे, और आधे एक घंटे में आपके गाइस चेस्ट कर लिए जिस तरह से यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं ना धीरे धीरे, तो बस जिस डायरेक्शन जितने आएंगे उसी हिसाब से कंपोस्टर भरते चले जाएंगे और आपको भर जाएगा ये चेस्ट ठीक है। तो गाइस मैंने जब यहाँ पे AFA करा था अपने ओरिजिनल वर्ल्ड जो भी मैं खेल रहा हूँ उसमें मैंने वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि मतलब प्रैक्टिस के लिए मैं खेल रहा हूँ उसको, ताकि जब मैं PC पे खेलूँ तब मेरी वर्ल्ड अच्छी से अच्छी आए उसकी वीडियो ठीक है। तो गाइस इसीलिए तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक यू।